वन वेलकम बैक टू वानी क्लासेस इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे एचपी टेट मेडिकल की जीके सेक्शन जो एग्जाम आज ही कंडक्ट हुआ है यानी कि 21 नवंबर 2021 को तो मेरे पास ये सीरीज भी है आपके पास कोई और सीरीज भी होगी तो क्वेश्चंस आगे पीछे होंगे उनको आप चेक कर सकते हो सो क्वेश्चन नंबर 121 इज इन व्हिच ईयर शिमला म्युनिसिपल कमेटी एस्टेब्लिशड राइट आंसर इज ऑप्शन सी दैट इज 1851 क्वेश्चन नंबर 122 विच प्लेस इन हिमाचल प्रदेश इज नॉन एज द पीच पाउल ऑफ एशिया यानी कि हिमाचल प्रदेश का कौन सा स्थान एशिया के आड़ू के कटोरे के रूप में जाना जाता है इसका सही आंसर है ऑप्शन बी राजगढ़ क्वेश्चन नंबर वन ट्वेंटी थ्री हुट द सुकेत सत्याग्रह इन नाइनटीन फोर्टी एट उन्नीस सौ अड़तालीस के सुकेत सत्याग्रह का नेतृत्व किसने किया सही आंसर है ऑप्शन डी पंडित पदमदेव ने क्वेश्चन नंबर वन ट्वेंटी फोर वन चीफ मिनिस्टर वन बीघा लॉन्च इन हिमाचल प्रदेश हिमाचल प्रदेश में मुख्यमंत्री एक बीघा योजना का शुभारंभ कब किया गया सही आंसर होगा ऑप्शन ए इक्कीस मई दो हजार बीस को क्वेश्चन नंबर वन ट्वेंटी फाइव हु बेकेम द सेवनटींथ स्पीकर ऑफ हिमाचल प्रदेश लेजिस्लेटिव असेंबली हिमाचल प्रदेश विधानसभा के 17वें अध्यक्ष कौन बने सही आंसर है ऑप्शन सी बिपिन सिंह परमार क्वेश्चन नंबर 126 जस्टिस हेमा कोहली हैज बीन स्वॉन इन एज द फर्स्ट वुमन चीफ जस्टिस ऑफ विच हाई कोर्ट यानी कि जस्टिस हेमा कोहली ने किस उच्च न्यायालय की पहली महिला मुख्य न्यायाधीश के रूप में शपथ ली है इसका सही आंसर है ऑप्शन डी तेलंगाना क्वेश्चन नंबर 127 विच कंट्रीज लार्जेस्ट नेवल शिप द खर्ग सैंक आफ्टर कैचिंग फायर ऑन जून सेकेंड टू थाउजेंड ट्वेंटी वन दो जून दो हजार इक्कीस को किस देश का सबसे बड़ा नौसैनिक जहाज द खर्ग आग लगने के बाद डूब गया सही आंसर है ऑप्शन सी ईरान क्वेश्चन नंबर वन ट्वेंटी इसरो इज गोइंग टू लॉन्च सैटेलाइट एमेजोनिया वन फ्रॉम पी एस एल वी सी फिफ्टी वन रॉकेट ऑटोबायोग्राफी ऑफ विच बॉलीवुड सेलिब्रिटी इसका सही आंसर है ऑप्शन सी प्रियंका चोपड़ा क्वेश्चन नंबर वन थर्टी विच स्कीम हैज बीन by the द सेंट्रल गवर्नमेंट फॉर द चिल्ड्रन हैव लॉस देयर पेरेंट्स ड्यू टू कोरोना कोरोना के कारण अपने माता पिता को खो चुके बच्चों के लिए केंद्र सरकार ने कौन सी स्कीम शुरू की है सही आंसर ऑप्शन बी पी एम केयर्स फॉर वेयर विल बी ओलंपिक गेम्स टू थाउजेंड ट्वेंटी फोर बी हेल्ड? ओलंपिक खेल दो हजार चौबीस का आयोजन कहां पर होगा सही आंसर ऑप्शन बी पेरिस में क्वेश्चन नंबर वन थर्टी टू इन विच स्टेट इज द्रास लैंड दैट हैव बीन इन डिस्कशन रिसेंटली यानी कि हाल ही में चर्चा में रहे हेसर घट्टा घास के मैदान किस राज्य में स्थित हैं सही आंसर है ऑप्शन ए कर्नाटका में क्वेश्चन नंबर वन थर्टी थ्री इन विच स्टेट व आयुर्वेदा पर्व दो हजार इक्कीस ऑर्गेनाइज राइट आंसर इज ऑप्शन सी ओडिशा में क्वेश्चन नंबर वन थर्टी फोर बाई विच अमेंडमेंट द एज ऑफ द वोटर्स हैज रिड्यूस टू एटीन ईयर्स राइट आंसर इज ऑप्शन ए

सही आंसर है ऑप्शन सी कांगड़ा में क्वेश्चन नंबर डिस्ट्रिक्ट द नेशनल अवार्ड फॉर प्रॉपरली इम्प्लीमेंटिंग द बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ प्रोग्राम। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ कार्यक्रम को सही तरीके से कार्यान्वित करने के लिए किस जिले को राष्ट्रीय पुरस्कार दिया गया सही आंसर है ऑप्शन ए शिमला को क्वेश्चन नंबर वन थर्टी एट अटल टनल कम्स अंडर विच माउंटेन रेंज अटल टनल किस पर्वत श्रृंखला के अंतर्गत आती है सही आंसर होगा ऑप्शन ए पीर पंजाल क्वेश्चन नंबर 139 वाइस प्रेसिडेंट श्री एम वेंकैया नायडू हैज रिसेंटली रिलीज़ अ सोवनियर पोस्टेज स्टैम्प पिंक डिव्यू टू द विच लेट प्राइम मिनिस्टर ऑन हिज 101 बर्थ एनिवर्सरी राइट आंसर इज ऑप्शन ए आईके गुजराल क्वेश्चन नंबर 140 एन इम्पोर्टेंट क्रिएशन ऑफ विच पीपल ऑफ़ द इंडस वैली वाजडल ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग सिंधु घाटी के लोगों की एक महत्वपूर्ण रचना निम्न लिखित में से किसकी मूर्ति थी सही आंसर ऑप्शन सी नटराज ना क्वेश्चन डेट द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया नेशनलाइज फोर्टीन विद कमर्शियल बैंक फॉर द फर्स्ट टाइम भारत सरकार ने पहली बार चौदह बड़े वाणिज्यिक बैंकों का राष्ट्रीयकरण किस वर्ष किया था सही आंसर होगा ऑप्शन सी 1969 को क्वेश्चन नंबर 142 व्हिच स्टेट हैज बीनRanked first in the Sustainable Development Goals India Index 2020-21 released by नीति आयोग यानी कि नीति आयोग द्वारा जारी सतत विकास लक्ष्य भारत सूचकांक 2020 21 में कौन सा राज्य पहले स्थान पर रहा सही आंसर होगा ऑप्शन बी केरला क्वेश्चन नंबर थ्री एमेजॉन हैज लॉन्च इट्स फर्स्ट डिजिटल सेंटर इन विच स्टेट ऑफ इंडिया अमेजॉन ने अपना पहला डिजिटल केंद्र भारत के किस राज्य में लॉन्च किया है सही आंसर है ऑप्शन बी गुजरात में क्वेश्चन नंबर 144 फोर्टी विच इंडियन इकोनोमिस्ट was रिसेंटली अवार्डेड द प्रिंसेस ऑफ Asturias अवार्ड हाल ही में किस भारतीय अर्थशास्त्र को प्रिंसेस ऑफ एस्टूरस अवार्ड से नवाजा गया सही आंसर है ऑप्शन ए सेन। क्वेश्चन नंबर वन फोर्टी फाइव यासांग फेस्टिवल वाज़ सेलिब्रेटेड इन विच स्टेट यासांग त्यौहार किस राज्य में मनाया गया सही आंसर होगा ऑप्शन बी मणिपुर में क्वेश्चन नंबर वन फोर्टी सिक्स द नेम ऑफ द पोर्टल लॉन्च बाय सेंट्रल गवर्नमेंट टू एक्सपेडाइट द कंस्ट्रक्शन वर्क ऑफ नेशनल हाईवेज केंद्र सरकार ने राष्ट्रीय राजमार्गों के निर्माण कार्य में तेजी लाने के लिए किस नाम से पोर्टल की शुरुआत की है सही जवाब होगा ऑप्शन सी दैट इज गति क्वेश्चन नंबर वन फोर्टी सेवन विच स्टेट गवर्नमेंट हैज रिसेंटली स्टार्टेड द मुक्ति कारवा कैंपेन टू स्प्रेड अवेयरनेस अमंगूमन ट्रैफिकिंग यानी कि हाल ही में किस राज्य सरकार ने बाल श्रम और मानव तस्करी के प्रति लोगों में जागरूकता फैलाने हेतु मुक्ति कारवा अभियान को शुरू किया है सही आंसर होगा ऑप्शन बी बिहार ने क्वेश्चन नंबर वन फोर्टी एट विच फिल्म अवारस्ट फिल्म अवार्ड एट द नाइंटी सेकेंड ऑस्कर अवार्ड डिस्ट्रीब्यूशन ऑन टेंथ फेबर टू थाउजेंड ट्वेंटी दस फरवरी दो हजार बीस को वितरित बानवे ऑस्कर पुरस्कार में किस फिल्म को सर्वश्रेष्ठ फिल्म पुरस्कार प्रदान किया गया सही आंसर है ऑप्शन सी पैरासाइट हु कम्पोज शिक्षा अष्टक विच वॉज ऑल्सो कॉल्ड द एसेंस ऑफ द स्कल्पचर्स शिक्षा अष्टक की रचना किसने की थी जिसे शास्त्रों का सार भी कहा गया था सही आंसर है ऑप्शन ए मीराबाई नंबर वन ऑफ द फॉलोइंग स्कूल इज नॉन फॉर इट्स आर्ट्स ओनली बिकॉज ऑफ ब्राह्मणिज्म जैनिज्म एंड बुद्धिज्म निम्नलिखित में से कौन सा स्कूल सिर्फ ब्राह्मणवाद जैन और बौद्ध धर्म की वजह से अपनी कला के लिए जाना जाता है सही आंसर होगा ऑप्शन सी मथुरा कला विद्यालय सो गाइज दट सोल्व फॉर नाउ आगे आने वाली वीडियोज में मैं इस क्वेश्चन पेपर की बाकी सेक्शन भी लेकर आऊंगी तो प्लीज डू लाइक शेयर सब्सक्राइब बाय बाय टेक केयर